विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया है। मैं वो करना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान उन्होंने अपना अलग देश 47 में ले लिया हमसे, अब वो अपना करे, भला करे, अच्छा करे, वो अपना 2 टाइम की अच्छी रोटी खा ले, बस मुझे मुझे कोई उसमें समय गंवाने। बट नरेंद्र मोदी का ये जो बयान है, इसकी वजह क्या समझते हैं और क्या ये जो सोच है अब जिसका बड़ी खुल के उन्होंने इजहार बदला है, आईटी, तिजारत, सफारतकारी, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, भारत कहीं से कहीं पहुंच चुका है, हमारे साथ आजाद हुआ है। वो सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचा बल्कि इन शोबों में। वन लाइनर को देखें कि पाकिस्तान अपना मुल्क चलाए, इंडिया तरक्की की राह पे गामजन है, ये क्या बयान, हम इसको डिनाई कर सकते हैं? क्या इसमें क्या खराबी है? होना चाहिए कि बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में पाकिस्तान के अवाम को ही नहीं पूरी दुनिया को पता है, और जिस तरह डेस्परेट होके हम हर दरवाजा खटखटा रहे हैं। नजर के अंदर कॉन्टिन्यूसली इंडिया जो है वो तरक्की भी तो कर रहा है और पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। जैसे मोदी साहब ने कहा, मैंने ताला मारता है, मैं ताला मारता है, ताला मैं, हम कैसे इतनी। प्रधानमंत्री मोदी के बयान ने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था कि विकास करेगा, भारत के साथ रहकर विकास नहीं कर सकता, अब तो पाकिस्तान रोटी के लिए तरस रहा है, फिर ऐसे देश से बात करने से क्या फायदा। आगे की कहानी सुनते हैं। वन लाइनर को देखें कि पाकिस्तान अपना मुल्क चलाए, इंडिया तरक्की की राह पे गामजन है, ये क्या बयान, हम इसको डिनाई कर सकते हैं? क्या इसमें क्या खराबी है इस बयान में, क्या खामी है इस बयान में? कह रहा है पाकिस्तान अपना मुल्क चलाए, हम चलाएं अपना मुल्क, क्या हम अपना मुल्क चला रहे हैं? ये इस सवाल का जवाब हमें खुद तलाश करना चाहिए। भारत तरक्की की राह पे गामजन है, अभी जो भी हमारे दोस्तों ने बात की वो यही बात तो की कि आज से 20 साल पहले शायद नहीं था, आज है, तो वो आपसे क्यों बात करे? 650 अरब डॉलर का ज़र मुबादला है भारत का, आईटी, तिजारत, सफारतकारी, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, भारत कहीं से कहीं पहुंच गया, सिर्फ चांद पे नहीं पहुंचा, इन शोबों में भी चांद पे पहुंच गया है। और भारत में गुर्बत कम हुई है, मिडिल क्लास बढ़ी है, महंगाई हमसे कम है, भारत वो मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तहिद हैं, तीनों बिजनेस पार्टनर हैं, भारत वो मुल्क है जिस पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तफिक हैं, दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, और भारत के एक मुकेश अंबानी की जायदाद पाकिस्तान की टोटल मईशत का 40% है, और भारत अरबपतियों में 3रे नंबर पर है, और भारत इस वक्त इस तरह की उसकी हकीकत है कि हर मुस्लिम काबिल ज़िक्र मुसलमान मुल्क का सरबरा नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुका है, और भारत की दुनिया में हैसियत का आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो तारीखी बाबरी मस्जिद को गिरा कर अयोध्या मंदिर का इफ्तिताह एक तरफ कर रहा था, दूसरी तरफ यूएई में पहले मंदिर का भी इफ्तिताह कर रहा था। और भारत की दुनिया में इस वक्त हाल ये है कि बरतानवी वज़ीर आज़म भारत का, और अमरीकी नायब सदर भारत का, और हर शोबे में अहम पोजीशनों पर भारती। और अपने होना चाहिए कि बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में पाकिस्तान के अवाम को ही नहीं पूरी दुनिया को पता है, और जिस तरह डेस्परेट होके हम हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, उसी तरह डेस्परेट होके हम ज़ाहिर है पड़ोसियों को भी इंगेज कर रहे हैं, ईरान को हमने इंगेज किया है, हिंदुस्तान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि नरेंद्र मोदी साहब की सियासी कैरियर का ये आखिरी टेन्योर होगा, ये उनका दौर, और जो ही वो इक्तदार संभालेंगे तो उन्हें इस बात की फिक्र होगी कि वो अपनी लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं। नजर के अंदर कॉन्टिन्यूसली इंडिया जो है वो तरक्की भी तो कर रहा है और पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। जैसे मोदी साहब ने कहा, मैंने ताला मारता है, मैं ताला मारता है, ताला मैं, हम कैसे इतनी इंडिया तरक्की कर रहा है, हमें उनके साथ मिल जाना चाहिए, दरवाजे खोलने चाहिए, थोड़ी सी पोजीशन अपनी बदलनी पड़े तो बदल लो यार, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या होगा अगर पोजीशन आप बदल लेंगे, और जब अगर पोजीशन नहीं बदली तो क्या कर लिया आपने, ठीक है।
मतलब क्या हमने कर लिया उससे, कुछ भी नहीं तो किया। या तो होना कि लोगों को बहुत इस पोजीशन से जो हमने ली हुई है इससे को बड़े फायदे हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहे। एटलीस्ट यार आपकी ये सारा इंडिया का जो पंजाब है राजस्थान है आगे गुजरात है, ठीक है, हमारी तो अगर ट्रेड खुल जाए, अब इमेजिन जो हम ईरान से इम्पोर्ट कर रहे हैं वो हम इंडिया से इम्पोर्ट करेंगे। अगले दिन मैं वो इंटरव्यू कर रहा था फवाद चौधरी का, वो भी यही बात कर रहा था। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जब सरकार में आए थे तो पाकिस्तान से अपने संबंधों को सुधारना चाहते थे, प्रधानमंत्री मोदी ने भरपूर प्रयास भी किया, उस समय जो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ उनको बुलाया भी था, खुद नवाज शरीफ के परिवार में एक शादी थी उसमें बिना किसी प्रोटोकॉल की चिंता किए, बिना अपनी सुरक्षा पर उतना ध्यान दिए ही जब वे अफगानिस्तान से लौट रहे थे तो सीधे नवाज शरीफ के उस शादी में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भरपूर प्रयास किया कि पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारे जाए, लेकिन पाकिस्तान तो कुत्ते की दुम की तरह है, यह कब सुधरने वाला था। इसके पीछे कारण यह था कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी के पहले जितने प्रधानमंत्रियों को देखा था उनका पाकिस्तान के प्रति बड़ा लचीला रवैया था, मुलायम रवैया था। पाकिस्तान यह सोच रहा था कि पाकिस्तान जो भी भारत के साथ आतंकवाद भेजते रहेगा और भारत चुपचाप सहते रहेगा, क्योंकि पहले से भी जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं पाकिस्तान के इस आतंकवाद को केवल प्रतिक्रिया देकर चुप हो जाते थे या यदा कदा यूनाइटेड नेशन या अमेरिका के सामने इस मसले को उठाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए और इनके रक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल जब आए तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में पूरी नीति ही बदल दी। पाकिस्तान के बारे में इन्होंने मान लिया कि पाकिस्तान की बिना ठुकाई के पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और फिर ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति अपनाई गई कि अगर पाकिस्तान कुछ भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने का काम करता है तो घर में घुसकर मारेंगे। और इसी का परिणाम निकला कि दो बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जम्मू कश्मीर का जहां पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आतंकवाद फैलाता था उसका विशेष दर्जा समाप्त किया गया, केंद्र के अधीन में उस दोनों जम्मू कश्मीर की सत्ता अपने हाथ में ले ली। और फिर जो पाकिस्तान के खिलाफ घर में घुसकर मारने का जितने भी आतंकवादी चिन्हित थे जो पाकिस्तान में आकर कभी न कभी आतंक फैलाते थे और जो आतंकियों का रिक्रूटमेंट पाकिस्तान में रहकर करते थे उनको ऊपर पहुंचा दिया गया। अब पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि आतंकवाद का जो लेवल लग गया FATF में 3 बार गया, अब पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं। और जो पाकिस्तान ने सरप्लस मटेरियल आतंकी पैदा किए हुए थे वो सारे आतंकी अब भारत में नहीं आ रहे थे और अफगानिस्तान में उनके जाने का काम नहीं था और ईरान की तरफ जाने पर खतरा ही था, तो वे सारे आतंकी आखिर बैठ कर करें क्या, वे पाकिस्तान के अंदर ही आतंकी कार्रवाई करने लगे। तब पाकिस्तान को होश में आया कि जैसा बोया था अब उसके काटने का समय आ गया है। और यही हालत है कि उधर से TTP खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, इधर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में, और दोनों मिलकर सिंध और पंजाब में, और इसके अलावे पाकिस्तान के भीतर जितने भी चरमपंथी गुट हैं जो मौलवी और मौलानाओं के इशारे पर चलते हैं, इन सब ने पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी है कि पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट की बात कौन कहे, जो इन्वेस्टमेंट चीन ने किया था वह भी पाकिस्तान से निकलने जा रहा है। सऊदी अरबिया UAE जो पाकिस्तान को गाहे बगाहे मदद करते थे उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो पाकिस्तान की हालत थी, जो पाकिस्तान की करनी थी, उसका फल अब मिलने लगा है। अब भारत से व्यापार करने की जो उसकी ललक बढ़ी है, जो छटपटाहट बढ़ी है, तो अब भारत उससे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि भारत पहले ही पाकिस्तान से संबंध सुधारना चाहता था। उस समय पाकिस्तान ने ध्यान नहीं दिया, भारत की कमजोरी समझा कि भारत व्यापार और संबंध सुधारने की बात करता है, तो भारत शायद कमजोरी में यह कह रहा है। लेकिन अब यह उल्टा हो रहा है, अब पाकिस्तान को ही डर लगने लगा है कि कहीं ऐसी स्थिति रही तो भारत कहीं पाकिस्तान को तोड़ न दे। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।